कोरबा जिले में SCCL प्रबंधन लगातार उत्पादन के मामले में नए रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन कई प्रकार की समस्याएं उसके रास्ते को बाधित करने में लगी हुई हैं। भूविस्थापित वर्ग से जुड़ी रोजगार और मुआवजा जैसी समस्याएं काफी समय से लंबित हैं। कई गांव के ऐसे विस्थापित आगामी विरोधी बड़ी रैली निकालने के साथ प्रशासन को ज्ञापन सौंपने की मानसिकता में है। इसकी सूचना अग्रिम रूप से दे दी गई है। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड कुसमुंडा क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को लेकर लोगों ने जिला प्रशासन को अवगत कराया। परियोजना प्रभावित क्षेत्र के कई गांव के लोगों की समस्या का समाधान लंबा समय बीतने पर भी नहीं हुआ है। विस्थापित परिवार के सदस्य रवि और सुदामा पांडे ने बताया कि हमारे मामलों में लगातार अनदेखी की जा रही है। ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए अब हम कुसमुंडा से रैली निकालकर प्रशासनिक कार्यालय तक पहुँचेंगे। हम लोग बहुत समय से इस चीज को झेल रहे हैं कि झूठा प्रशासन जो है वो न्याय नहीं करता है, खाली वो धोखा देता है। तो इसी बात के लिए हम एक रैली की तैयारी कर रहे हैं, जिसके तहत हम यहाँ ज्ञापन सौंप लेंगे कलेक्ट्रेट में। हमारी समस्याएं बेसिकली रोजगार से संबंधित है, हमारा जो जमीन है संबंधित है, और पूरा ये सबसे संबंधित है हमारा टोटल। तो हम हजारों की संख्या में आकर उसको ज्ञापन को सौंपेंगे। हम गाँव में इतना समस्या हो गया अभी कि पानी की समस्या, धूल मिट्टी की समस्या है, और रोजगार संबंध और पुराना जो करण है नौकरी मौजा का उनका समस्या लेके सबने के लिए कलेक्टर महोदय जी। कितने दिन का आप लोग समय दिए हैं कलेक्टर महोदय को, और क्या किस तरह आंदोलन करेंगे आगे? रैली निकालने की तैयारी है, रैली निकाल तैयारी है सरमा चौक से कलेक्टर। कितने की संख्या में रहेंगे, कौन कौन गांव के लोग रहेंगे इसमें? सभी भूस्थापित सभी गाँव को खोर रिजती हम गाँव पाली प्रन्या संतपुर जटराज जयपुर सत्र गाँव सभी लोग आएंगे, हजार की संख्या में आएंगे। कोरबा जिले में SCCL के चार क्षेत्र के अंतर्गत कोयला परियोजनाएं संचालित हो रही हैं और लगभग हर कहीं भूविस्थापितों की समस्याएं काफी समय से बनी हुई हैं। इन मामलों की जानकारी कंपनी को बेहतर तरीके से है, लेकिन अधिकारियों की ओर से प्रकरणों में आश्वासन देने की नीति पर ही काम किया जा रहा है। ऐसे में परिणाम हासिल नहीं हो पा रहे हैं और लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। समय बीतने और उसके साथ रोजगार नहीं मिलने से लोगों के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। यही कारण है कि आए दिन कोरबा जिले में SCCL क्षेत्र में प्रदर्शन हो रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जब तक लोगों के हितों के संरक्षण के बारे में कदम नहीं उठाए जाएंगे, उनका रवैया नकारात्मक ही बना रहेगा। ACN न्यूज के लिए पवन तिवारी के साथ मनोज यादव की रिपोर्ट।